मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति आ रहा, भक्ति से आप जोड़े क्रिस्त में। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया भी हमें आह्वान करती है कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें। वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:8 में, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय, जिनका मन पवित्र है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए संकेत है और संदेश भी है कि हमारे मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र करना है। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं और कहते हैं, मूसा जहाँ पे तू खड़ा है, जिस भूमि में तू खड़ा है, वह पवित्र है और इसलिए अपने पैरों से जूते उतारो। तो हमारे जीवन में भी हम काफ़ी जूते देखते हैं जो हमारे मन और हृदय को अशुद्ध करता है। ऐसे कार्यों को और ऐसे चीज़ों को हमारे मन और हृदय से दूर करने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28:13। वचन इस प्रकार है, जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो पापों को छिपाता है उन्नति नहीं करता है, विकास नहीं करता है, लेकिन उसे सच्चे हृदय से प्रकट कर छोड़ देता है, प्रभु उस पर दया करता है और दया के द्वारा आशीष, कृपा और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, विशेष करके अपने आप को जांचें और परखें। हमारे मन, दृष्टि, जुबान, व्यवहार, कर्म, कर्तव्य, इनके द्वारा हम प्रत्येक दिन पाप करते हैं। प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। प्रभु वर हम पर दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बड़ी खुशी के साथ हम मंगल गीत गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सर्वलोक के स्वामी है, देश प्रीत एक लौट पुत्र तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, जगत के सारे पाप के हार हम पे दया को रख नजरा, पिता के पाए विराज का तो विनती हमारी सुन प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वपरि तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, ऊंचे नब में महिमा, ऊंचे नब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आध्यात्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम सदा दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की वाट जोते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का तीसरा इतवार, पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 13-15, 17-19। पेत्रुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम याकूब और इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौटकर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु,
वचन तेरा दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय दो पद संख्याएं 1 से 5 तक। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंच गया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 वाक्यांश 35 से 48 तक। यह आवश्यक था कि मसीह यह सब सहले और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था।
वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, वह सब पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्होंने धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे लिए तीन पाठों को रखती है और तीनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए काफ़ी संदेश है। प्रथम पाठ हम प्रेरितों के कार्यकलाप से सुनते हैं और वहाँ पे विशेष करके शिष्यों के जीवन, पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में सुनते हैं। इसी तरह दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे संत योहन के बारे में रचित और घटनाओं के बारे में वर्णन सुनते हैं। योहन बताना चाहते हैं कि जब हम प्रभु की शिक्षा और आज्ञा को अपने जीवन में पालन करते हैं, प्रभु के प्रेम के द्वारा हम पूर्णता तक पहुँचते हैं। इसी तरह आज के तीसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में प्रवेश करेंगे, जो लूकस के सुसमाचार से लिया गया है और विशेष करके शिष्यों के बारे में वर्णन है, और उसके बारे में वर्णन है जहाँ पर शिष्य एमाउस की ओर यात्रा करते हैं और उस वक्त यीशु का दर्शन उनको होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए तीनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए जो संदेश है उन संदेशों को देखेंगे। प्रथम पाठ में हम देखते हैं विशेष करके पेत्रुस के बारे में। पेत्रुस भारी सभा में जाते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने मारा है, हमारे ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। मृत्यु के बंधन को तोड़ते हुए महिमा के साथ में वह पुनर्जीवित हुआ है। इस तरह से पेत्रुस और बाकी शिष्य लोगों के बीच में साक्ष्य सुनाते हैं। इसके बारे में जब हम मनन करते हैं तो हमें संदेश मिलता है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है और पवित्र आत्मा का युग है जो शिष्यों के जीवन में क्रियाशील है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, में बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवन में होता है, यानी कि पूर्ण परिवर्तन को हम अपने जीवन में देखते हैं और इसका दृश्य हम शिष्यों के जीवन से ले सकते हैं। यीशु जब मर गए थे, शिष्यों का जीवन बिल्कुल अंधकार में हो गया, उनके अंदर में डर समा गया और डर के मारे वे कमरे में बंद हो जाते हैं। तब तक जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको नहीं होता और यीशु मसीह उनको दर्शन नहीं देते, तब तक वे उसी कमरे में ही बंद रहे। लेकिन जैसे ही वे यीशु का दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं, उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है और शक्तिशाली बन जाते हैं, विश्वास में गहरा होते हैं, अनुभव में और गहराई तक चले जाते हैं और इसलिए वे लोगों के पास में जाते हैं और साक्ष्य सुनाते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने मारा है, हमारे पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। इस तरह से साक्ष्य देते हैं। तो पवित्र आत्मा का कार्य को हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं।
वचन में पढ़ेंगे। वचन के द्वारा बताया जाता है, एजेकेल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। एग्जैक्टली शिष्यों के जीवन में वही होता है, जीवन तो था ही लेकिन उसी में और जीवन आ जाता है और उनका जीवन रौनक से भर जाता है। और जो भी अनुभव उनको मिले उन अनुभवों को लोगों के पास साझा करते हैं। ये हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। एक एक विश्वासी को, एक एक भक्त को पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श के द्वारा हम प्रभु के सामर्थ को अनुभव करते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं और ईश्वरीय अनुभव में और गहराई तक जाते हैं और उसे साझा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। ये हम विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। दूसरा संदेश प्रथम पाठ के द्वारा पेत्रुस के द्वारा हमें मिलता है कि पेत्रुस यानी कि हिम्मत के साथ में भारी सभा में बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में यीशु के बारे में बताते हैं। पिछले पाठों के बारे में और पिछले दिनों के बारे में जब हम मनन करेंगे, शिष्यों को दबाया जाता है, शिष्यों को मना किया जाता है कि यीशु के बारे में आप बोलेंगे नहीं, प्रचार करेंगे नहीं, घोषणा करेंगे नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि पेत्रुस हिम्मत के साथ में, विश्वास के साथ में लोगों के बीच में जाते हैं और यीशु के बारे में बताते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, हिम्मत शक्ति उनके अंदर में प्रवेश करती है। तो इसी को हमें अपने दैनिक जीवन में देखना है। कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल असफल महसूस करते हैं और मानते भी हैं, लेकिन पेत्रुस हमें बताना चाहते हैं कमजोर व्यक्ति, यीशु को तिरस्कार करने वाला बंदा आज शक्तिशाली बनते हैं और लोगों के बीच में यीशु के बारे में बताते हैं और उनके उपदेशों को सुनने के बाद में विश्वास भी करते हैं, उनका जीवन भी बदलता है, मन परिवर्तन होता है। तीसरा संदेश प्रथम पाठ के द्वारा वो यह है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, यीशु का दर्शन होता है, वे यीशु को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करते हैं और यीशु उनके जीवन में निवास करते हैं। इसी को हम बीते जीवन में देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, शिष्य उनके साथ में थे, शिष्य उनके साथ में चलते थे, शायद शिष्य यीशु को गहराई से अनुभव नहीं किए होंगे। और इसलिए समय समय में हमें देखने को मिलता है कि वे संसारिक माया मोह में भी लिप्त रहते हैं। और इसलिए दो शिष्य यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुवर बताइए आपके दाएं और बाएं कौन बैठेगा, हमें आदेश दीजिए कि हम आपके दाएं और बाएं बैठें। क्या को दर्शाता है? इसी बात को दर्शाता है कि वे शायद यीशु को सही मायने में समझ नहीं पाए हैं। इसी तरह पेत्रुस के बारे में देखते हैं, पेत्रुस भी यीशु से बार बार कहते हैं प्रभु आपके साथ मरना भी पड़े हम तैयार हैं, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बारी आती है यीशु के विषय में बताने के लिए वो पीछे हटते हैं। पेत्रुस कहते हैं मैं जानता तक नहीं हूँ, एक तरह से दुर्बलता को दर्शाता है कि हम पीछे हट भी सकते हैं, पीछे गिर भी सकते हैं। इसी तरह यूदस के बारे में देखते हैं, अंतिम ब्यालू के समय में सभी शिष्य यीशु के साथ बैठे हुए थे, उनमें से यीशु ने बताया कि आप में से कोई मुझे पकड़वाएंगे। हालांकि यीशु को पता था, यूदस को पता था कि घटना क्या घटने वाली है, बाकी शिष्यों को इसके विषय में पता नहीं। क्या को दर्शाता है? एक तरह से संसारिक मोह माया में वो शिष्य भी फंसा हुआ था, लालच में फंसा हुआ था, उसी को दर्शाता है। लेकिन इन्हीं शिष्यों के बारे में देखते हैं, जब वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और पुनर्जीवित यीशु से मिलते हैं, एक्सेप्ट यूदस, उनका जीवन बदल जाता है और वे अत्याचार सहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बड़ी खुशी और आनंद के साथ में अत्याचार को सहते हैं, अत्याचार झेलना स्वीकार करते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए संदेश है, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही नहीं बल्कि एक तरह से दुख को भी अनुभव करना पड़ता है और पड़ेगा। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में सिर्फ आशीष ही आशीष नहीं
बल्कि कष्ट को भी सहना पड़ेगा जो शिष्यों के जीवन में देखते हैं। यीशु का दर्शन और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें तैयार करता है कि हम दुख और तकलीफ में कैसे आगे बढ़ें, दुख और तकलीफ को कैसे आशीष में बदलें, और शिष्यों के जीवन में हम वही देखते हैं। तो हमारे जीवन में भी काफ़ी कष्ट हैं, हमारे जीवन में भी काफ़ी दुख है। हम भी डर के मारे कभी पीछे हटते हैं, विश्वास को घोषणा नहीं कर पाते हैं। ऐसे वक्त में हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और शिष्यों की तरह बनने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम दूसरा पाठ में प्रवेश करते हैं। चौथा संदेश के लिए यूहन बताना चाहते हैं, आप प्रभु को कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप प्रभु को बताते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन यदि आप प्रभु की शिक्षा को धारण नहीं करते हैं तो आप झूठे हैं। तो यूहन हमें बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल करना है, धारण करना है, जीना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कहने वाले तो काफ़ी हैं, विश्वास को भी प्रकट करने वाले काफ़ी हैं, लेकिन जब प्रकट करने की बारी आती है शायद हम विफल होते हैं। तो यूहन बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना है और प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हुए ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते हैं और वही प्रेम हमें पूर्णता तक ले चलता है। आइए पांचवा संदेश के लिए हम आज के तीसरे पाठ में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे हम शिष्यों के बारे में देखते हैं। विशेष करके शिष्य जब दर्शन करते हैं आनंद से भर जाते हैं, और ये हमारे लिए पांचवा संदेश है। यीशु का दर्शन होना हमारे जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि दर्शन के द्वारा ही और दर्शन के बाद ही शिष्यों का जीवन बदल जाता है। वे उदास थे, शोक में थे, घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कहाँ जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह जो पुनर्जीवित हुए हैं दर्शन देते हैं, दर्शन करने के बाद उनका जीवन यूं ही बदल जाता है। अंधकार जीवन में, शोकाकुल जीवन में आनंद प्रवेश करता है और वे अपने शिष्यों के पास अपने मित्रों के पास में दौड़ते हुए जाते हैं और इसके विषय में बताते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। क्या आज हमारे पास में ईश्वरीय अनुभव है? क्या आज हमारे पास में यीशु का गहरा अनुभव है जो हम एक दूसरे को बड़ी खुशी और आनंद के साथ साझा कर पाएंगे? ये हमारे लिए प्रश्न है। छठवां संदेश, दर्शन के बाद में शिष्यों के जीवन में होता क्या है? वे एक तरह से सच्चा विश्वासी बन जाते हैं, पक्का और सच्चा विश्वासी बनते हैं। पेत्रुस को, बाकी शिष्यों को और यहाँ तक कि थॉमस को देखिए। थॉमस ने कहा था कि जब तक मैं प्रभु को स्पर्श नहीं करूँगा, उनके घाव में अपनी उंगली को रख नहीं लूँगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। थॉमस के लिए यीशु मसीह दर्शन देते हैं, दर्शन देते हुए कहते हैं, थॉमस अविश्वासी मत बनो, लेकिन ये मेरे हाथ है, ये मेरे घाव है, अपनी उंगली रखो। वे रखते हैं और इसके बाद में घोषणा करते हैं, मेरे प्रभु, मेरे यीशु। यही अनुभव हम विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष और कृपा दें। जैसे शिष्यों के जीवन में प्रवेश करते हैं, बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, उसी तरह यीशु हमारे हृदय में प्रवेश करें। जैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को फूंक कर कहते हैं, शांति ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, और वे शांति ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, हम भी शांति और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाएं। प्रभु हमें आशीष और कृपा से भर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा,
और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने हमें प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपा पूर्वक स्वीकार किया है, अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी कार्यों में प्रभु की आशीष और कृपा बनी रहे, ताकि वे कलीसिया का भला चरवाहा बनकर कलीसिया की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें। प्रभु, तू उन्हें शुद्धता और पवित्रता प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, उन सभी रोगियों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वो तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। प्रभु, तू उनके एक एक अंगों को स्पर्श कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रभु, तू उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर, ताकि वो अपने जीवन में निराश ना होकर बल्कि तुझ पर आशा रखते हुए अपने कार्य में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संसार के बहुत से देश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के साथ अशांति में जी रहे हैं। इन देशों के विवाद आपसी मनमुटाव एवं संवाद द्वारा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जिस तरह तूने अपने शिष्यों को शांति का वरदान दिया, उसी प्रकार तेरे सभी क्रिस्त अनुयायी जो तेरे वचन की सेवा करते हैं, एक दूसरे को तेरे मार्ग की शिक्षा देते हैं, उन्हें भी अपने शांति का वाहक बना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल गई से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इनको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विवोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्तुति तब गाते देवी तारी, स्तुति तब गाते देवी तारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे, सच्चे भले चरवा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे, सच्चे भले चरवा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने देना करता मेरा प्यार से मुझे अपना ले प्यार।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। अल्लेलुया, अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हमें प्रभु ने दे दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने दे दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। जीवन हमने पा लिया, गया मिली क्षमा मिली। जीवन हमने पा लिया, हमें प्रभु ने दे।